मैं इंगे अकेले खड़ा रहूं शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद सभी छोटे भाई बड़े भाई थोड़े हर साल की तरह हम उम्र हम अपना अंतरवा स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं गणतंत्र दिवस अब जो क्या है बच्चों में रुचि बहुत कम हो गया है। सुबह हम 7 बजे का टाइम दिया था अब 9 बज रहे हैं। जब यहाँ एक रुचि कम हो जाएगी तो देश के प्रति क्या कितनी रुचि हो जानी है। ये नहीं है कि हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो हम तभी यहाँ ना हमें हमें तो बड़ा मतलब शर्म महसूस हो रही है इतना कि जब हम यहाँ तैयारी करते थे तो बहुत बच्चे ऐसे नहीं कुछ एक बार कह दिया कहने के उस अनुसार नहीं बात पहले ऐसे ही बोल दिया कि कल 26 जनवरी है या 15 अगस्त है तो उससे बहुत सारे बच्चे इतनी रोनी बहुत लंबी लंबी रोन लगती थी इधर आपने देखा भी होगा तो बड़े शर्म की बात है कि इतने इतना अच्छा पर्व हमारा और उससे इतने सारे मतलब देश भर में देश की भावना देश की भावना बच्चों में से समाप्त होती जाए इसलिए जो छोटे बच्चे हैं बड़े हैं उन्हें थोड़ा जागरूक करो कि कम से कम 26 जनवरी 15 अगस्त का हमारा जो कार्यक्रम हो गए यहाँ ग्राउंड तो वो बहुत अच्छा हो संख्या जुड़े पर बात गुलदाना खाने से कुछ उससे संबंधित नहीं है पर ये हमारा पर्व है जैसे होली दिवाली हमारा पर्व होता है उस तरह का ये पर्व है और हमें बड़े से हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। बस मेरे छोटे भाई हैं मैं सबकी कामयाबी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही गणतंत्र दिवस पे आज यहाँ हैं कहीं और जाके अपना कुछ भाइयों का सिलेक्शन होने वाला है उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका सिलेक्शन जल्द जल्द हो और वे इस ग्राउंड को ग्राउंड का जो सहयोग है वो ना भूलें। हेलो किसी को अपने विचार रखने हो कोई कुछ कहना चाहता हो कोई सुझाव देना चाहता हो राजनेता नहीं मैं सब सहयोग बच्चों से ही यहीं से सीखा मैंने ऐसे बोलना मैं अच्छा नहीं बोलता मैंने अभी
गणतंत्र दिवस को बोल दिया था, तो मेरे से गलती सबसे है कि यहाँ का आदमी रजिस्ट्रेशन हो जाए, ये तुम्हें कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। मैं बोलना मैं तो अपना नाम नहीं बता पाऊंगा, मैं अपना नाम नहीं बता पाऊंगा, चार आदमी अपना इंट्रोडक्शन दो, तो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता। बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारा कुछ कहना चाह रहा छोटा भाई है। भगवान प्रभु के पास है, इनका इनका सिलेक्शन मतलब फिजिकल वगैरह हो गया है, अब इनका मेडिकल रह रहा है और ये शायद अगले साल तक कहीं ये रेलवे की जॉब पा लेंगे। और भाई भी हमारा एक और अंकित ठाकुर, अंकित भाई आ जाओ छिहत्तरवां गणतंत्र दिवस पे शुभ अवसर मिला हमें इकट्ठा होने का। और देखिए जिस टाइम हमने जनगण मन गाया तो एक अनुभव हुआ कि हम शुरू पहली कक्षा से ही और जब तक बारहवीं पास आउट हुआ है जब तक ऐसी बिल्कुल फीलिंग आई बिल्कुल। और जैसा भैया ने बताया कि यहाँ खड़ा होना, इकट्ठा होना, यहाँ किसी स्पीच देना या बोलना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, किसी पर नहीं बोला जाता। और जैसे भैया ने हमें मतलब आए और हमारा जनगण मन करवाया और अच्छे तरीके से मतलब पेश आई, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक सभी को यहाँ आना है, अपना परिचय दो, ना तो कुछ ना कुछ बोलना है, इस तरफ से लाइन चलेगी, एक कब जन आओ यहाँ, एक मिनट तो उसे यहाँ रुकना है और बोलना है यार, जब एक मिनट नहीं बोल सकते तो क्या कर सकते है, तो इसलिए एक मिनट यहाँ जरूर रुकना है। सबसे पहले गोरा होगा यहाँ बोलेगा, अपना परिचय दो या कुछ ना कुछ बोलो, फील्ड के बारे में, खेल के बारे में, किसी प्लेयर के बारे में बोल सकते हैं। देखिए हमारे बीच है और वो अपने शब्द कहेगा, गाँव के प्रति गाँव का अनुभव शेयर करेगा। क्या नाम भाई तुम्हारा? अरे मेरे को ही बुला रहे हो भाई, पंकज का है। पंकज नाम है इनका, ये इनका जो भाई था गौरव, शायद गौरव का छोटा भाई है, वो हमारे साथ गेम वगैरह खेलता था, तो मैं जानता हूँ उस भाई को। ये बहुत अच्छी वीडियो बनाता है गांव के प्रति, अपने अपने गांव को मशहूर करने के लिए, इसके मतलब आज भी वो है, एक यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है भाई का, टीके डायरी, और उसे आप देखेंगे, मतलब गाँव के गाँव की बच्चे ने जो है स्टोरी बना रखी है, महेश मंदिर की है और काले सिंह बाबा की है, अपने देवी देवताओं की है, मंदिर की है, बहुत सारी मतलब गांव की बना रखी है, तो ये भाई कुछ बताएगा आपके बात अपने बारे में, गांव के बारे में, ये भाई कुछ बताएगा गांव के बारे में अपने, ये हमारे गांव का ही बच्चा है। तो सब दोस्तों को और सब भाई लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाइयां, और बहुत अच्छा लगा कि आप सुबह 7 बजे उठ के और टाइम पे आए और सबने इतना अच्छा एक स्टूडेंट लेवल पे ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छे से तुमने अपना एक सेलिब्रेशन किया 26 जनवरी का। और जैसे भैया ने बोला, मैं भी गाँव खट्टा के ही पैदाइश है, चेतन मेरा भाई है छोटा, तो मेरा बड़ा भाई इनके साथ पढ़ चुका है यहाँ डिग्री कॉलेज में, तो ऐसा मत समझो कि आप गाँव में हो और आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आप अपना जो मेहनत कर रहे हो करते रहो, पढ़ाई जो कोई पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई अच्छे से करो, कोई किसी खेल कूद में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, डेडिकेशन से लगे रहो, एक ना एक दिन आपको पक्का सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। मैं भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठ के गया था, गांव में हम पढ़े हैं, बाहर जाके फिर जब पिताजी की बाहर जॉब लग गई तो वहाँ पढ़े हैं, बट मेहनत कंटिन्यू करते रहोगे तो एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और कभी ये मत सोचो कि आज कामयाबी नहीं मिली तो कल को यार निराश होकर बैठ जाओ, लगे रहो, क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट सब कामयाब हो जाओगे। और जहाँ तक मैंने देखा है पिछले 8-10 साल में, आपने बचपन से लेकर गांव खट्टा देखा, अब तो काफ़ी गांव तरक्की भी कर रहा है और सरकार का भी यहाँ पे काफ़ी योगदान है, और तुम जैसे जो युवा लोग हैं अगर साथ मिलके एक जैसे ये एक एसोसिएशन ही समझ लो तुम्हारा, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, यहाँ पे सब मिलते हैं, भाग दौड़ लगाते हैं और जो भी ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए करा जाता है वो सब करते हो, तो ऐसे ही अच्छा काम करते रहो और आगे भी अच्छा होता रहेगा। और भैया ने काफ़ी अच्छी तारीफ करी मेरी, एक छोटा सा चैनल है पीके डायरी, तो जब भी मेरा गांव में चक्कर लगता है तो मैं कोशिश करता हूँ जो ग्राउंड रूट है, जो बिल्कुल देश बिल्कुल अपना कहते हैं ना कि देहाती लेवल है, उससे अगर आप जुड़े रहोगे तो चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ पर वो जो आपका गाँव की रूट्स होती है उससे जुड़े रहते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यही मैसेज था आप सबके लिए, आई होप। तो भाई ऐसा है,
हमारा छोटा भाई है, कितने सुंदर विचार है इसके, कितने मतलब ये बाहर रहता है और इसके गांव के प्रति कितना समर्पित है, ये इतने सुंदर, इसके इतने सुंदर विचार है कि ये शहर में रह के भी गांव को नहीं भूल रहा, यहाँ पे यहाँ से उसकी वीडियो वगैरह बनाता है, अपने आप को गाँव का निवासी कहता है ना, यहाँ से निकलने के बाद कोई अपने आप को गाँव का निवासी कहना पसंद नहीं करता, तो इसके कितने सुंदर विचार है। और भाई ने एक छोटी सी बात और कही कि संगठित, जो संगठित शब्द है कहने के लिए बहुत छोटा है और इसका जो आकार है वो बहुत बहुत बड़ा है, उसमें क्या है कि अगर आप संगठित रहोगे ना तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कोई किसी भी नेता से राजनेता से अपना काम करा सकते हो, जैसे लाइट लगाने का काम है, अभी हमारे जो जिला पंचायत यहाँ पे वो सदस्य हैं, संजय डीलर जी ने कहा था चुनाव के टाइम पे कि भाई मैं लाइट लगवा दूंगा, अब हमारे यहाँ लाइट क्यों नहीं लग रही, हमारे यहाँ लाइट इसलिए नहीं लग रही कि हम संगठित नहीं है, हम क्या या तो शक्ति कहे या मैं कहूँ कोई ऐसा को कहे, अगर संगठित हो जाओगे ना 20 बंदे एक जगह हो जाओगे तो प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ेगा, ये हकीकत बात है। प्राचीन उसमें जब भी सरकार नेहरू के मतलब रोकी थी वो युवा के कारण, युवा में जो शक्ति होती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ संगठित रहो, अपना आप कोई भी काम करा सकते हो किसी से भी, कोई प्रधान हो कोई भी राजनेता हो, जब भी कोई हाय उल्लाबाजी मत करो, उसे अपने काम के लिए रखो कि हमारे फील्ड में ये काम है, सब काम होना है, ठीक है ना, तो ये एक सहयोग बना के रखो, संगठित रहो, ठीक है। और